हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए दोस्तों, इस टाइप का डिज़ाइन हम कैसे बना सकते हैं इलस्ट्रेटर में। देखिए इस टाइप का डिज़ाइन हम कैसे बना सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, यानी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास इलस्ट्रेटर है तो इलस्ट्रेटर ओपन कर लीजिए। आपको देखिए, हमने इलस्ट्रेटर ओपन कर रखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे विंडो के अंदर, यहाँ पे आ देखिए वर्क स्पेस, यहाँ पे जाएंगे रीसेट डेप। रीसेट डेप इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जो सेटिंग है वो पहले जैसी हो जाए। जब हम इंस्टॉल करते हैं कुछ सेटिंग काम करने के बाद इधर से उधर हो जाती है, इसीलिए हमने रीसेट कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, फाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एन, देखिए न्यू डॉक्यूमेंट। आप अपने हिसाब से साइज ले सकते हैं, मैंने 920x1080 ले रखा है, ठीक है दोस्तों, पिक्सल में रखा ले रखा है मैंने। आप इंचेस में ले सकते हैं, सेंटीमीटर में ले सकते हैं, किसी में भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ओके कर देंगे। देखिए ऐसा एक डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन होके आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल के अंदर जाएंगे, देखिए यहाँ पे प्लेस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। ये इमेज हमें प्लेस करनी है, ये हम इमेज प्लेस कर लेते हैं। देखिए ये इमेज हमने प्लेस कर लिया है, इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसके बीच में क्रॉस लाइन आ, देखिए दोस्तों इसके बीच में क्रॉस लाइन आ रही है, उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एम्बेड, इस पर क्लिक करेंगे, क्रॉस लाइन हट गई आपकी। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए लॉक करने का क्या ऑप्शन है, इस पर सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल अपने कीबोर्ड का कंट्रोल 2, लॉक हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे नहीं आ रहा आपको तो देखिए विंडो में गए, लेयर्स का ऑप्शन है, ठीक है। ओपन किया हमने, लॉक हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल टूल आता है, इसको लेंगे, सीधी लाइन खींच देंगे हम, देखिए खींच दिया हमने। खींचने के बाद हम क्या करेंगे, खींचने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करना है हमें। हमने एक रेक्टेंगल बना लिया है, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, कॉपी, देखिए एडिट में गए, इसको सेलेक्ट किया, एडिट में गए, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, फिर एडिट में गए, पेज टू फ्रंट, कॉपी हो गया। देखिए कंट्रोल दबाएंगे इसको साइड, सॉरी शिफ्ट दबाएंगे इसको साइड कर देंगे हम, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऑल्ट दबाएंगे अपने कीबोर्ड का और शिफ्ट दबाएंगे, ठीक है। अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे, ऑल्ट दबाएंगे, देखिए इतना हो गया हमारा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट दबाएंगे और साइड में ड्रैग कर देंगे, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है, कंट्रोल डी, देखिए कंट्रोल डी कर दिया हमने, सारा डुप्लीकेट हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पीछे वाली इमेज है इसको अनलॉक कैसे करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल 2, देखिए अनलॉक हो गया ये। अब इसको क्या करना है, देखो इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने से पहले एक काम और बचा है हमारा, इमेज को फिर से हमें लॉक करना पड़ेगा, वही कंट्रोल 2। देखिए हमें ऊपर से गाइडलाइन खींचनी है, गाइडलाइन शो नहीं हो रही, इसलिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल आर कर दिया, देखिए गाइडलाइन शो होने लगा। गाइडलाइन हम एक यहाँ तक रख लेते हैं
और नीचे वाला हम यहाँ तक रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये एक तो बड़ा रहेगा, एक को हम छोटा कर लेंगे, गाइडलाइन थोड़ी सी ऊपर अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। पकड़ा, देखिए दोस्तों थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं हम, ये चीज पता चली गया क्या करना है। देखिए दोस्तों इतना हमारा हो चुका है, उसके बाद हम पीछे वाली इमेज अनलॉक करेंगे, भाई ऑल्ट कंट्रोल टू, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पेज अप करना पड़ेगा, हमें इमेज को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अरेंज पे जाएंगे, ब्रिंग टू फ्रंट, इतना हो गया हमारा। उसके बाद क्या करेंगे, इमेज को सेलेक्ट किया, एडिट में गए, कॉपी किया, फिर एडिट में गए, पेस्ट टू फ्रंट, ठीक है। देखिए अब दो बन गया ये, ठीक है। इमेज को सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया, जो हमने रेक्टेंगल फर्स्ट वाला खींच रखा उसको सेलेक्ट किया अपने कीबोर्ड का, सॉरी अपने माउस का लेफ्ट की से। अब राइट क्लिक करेंगे, मेक ए सेलेक्ट क्लिप क्लिपिंग मास्क, ठीक है। ये देखिए एक के पीछे आ गया, फिर वही चीज़ करेंगे हम, इसको सेलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड में जो इमेज है इसको सेलेक्ट किया, एडिट में गए, कॉपी किया, एडिट में गए, पेज टू फ्रंट, ठीक है। फिर इसको इमेज को सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया, माउस का लेफ्ट की से रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मेक क्लिपिंग मास्क, वही इमेज सेलेक्ट, एडिट में गए, कॉपी, एडिट में गए, पेज टू फ्रंट, ठीक है। वही कॉपी बन गया, सेलेक्ट, शिफ्ट दबाया, माउस का लेफ्ट की, दोनों सेलेक्ट हो गए, इमेज और रेक्टेंगल, राइट क्लिक किया, कीबोर्ड का मेक क्लिपिंग मार्क, इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। वही इमेज सेलेक्ट, एडिट में गए, कॉपी, एडिट में गए, पेज टू फ्रंट, वही जो हमने किया है। तो चलिए थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं इनको। देखिए दोस्तों हमारी कंप्लीट होने वाली है, बस एक बची है, वही देखिए इस इमेज को सेलेक्ट किया, एडिट में गए, कॉपी, एडिट में गए, पेज टू फ्रंट, रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया, माउस का राइट क्लिक किया, मेक क्लिपिंग मास्क। देखिए आपको पता नहीं चल रहा होगा हमने क्या किया, वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको सेलेक्ट करेंगे, इमेज को ओपेक्सिटी 30%, इमेज को हम नहीं दिखाते, इमेज को यदि हम एक सेकंड के लिए कंट्रोल एक्स कर देते हैं, इमेज को हम यदि कंट्रोल एक्स कर देते हैं तो देखिए कैसा।
कैसा लग रहा है हमारी इमेज, तो कैसी लग रही है अपनी इमेज, लाइनिंग लाइनिंग लग रही है। इसको यदि हम पीछे कोई इमेज लगा देते हैं तो अच्छा लगेगा। यही इमेज यदि हम पीछे लगा देते हैं, देखिए अच्छा लग रही है, अच्छी लग रही है हमारी इमेज। इसको यदि हम और कम करना चाहें 20% तो कर सकते हैं अपने हिसाब से। इस टाइप का कुछ भी बना सकते हैं। मैंने ये इमेज चूज़ किया है, आप कोई और इमेज चूज़ करके बना सकते हैं। देखिए हमने 3 बनाए थे, ये हमारी इमेज थी। हमने फर्स्ट में पीछे कोई इमेज नहीं लगा रखी वाइट बैकग्राउंड। सेकंड में थोड़ा सा हमने इमेज की ओपेक्सिटी ज़्यादा कर रखी है तो ऐसी आ गई इमेज, थोड़ी सी और कम कर रखी है तो ऐसी आ गई इमेज। अलग अलग वेरिएशन इसमें ट्राई कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साइड में बेल आइकन वो दबा दीजिए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए। थैंक यू।